युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। संन्यास यानी त्याग, संन्यास योग युक्त हो। तो भगवान के लिए जो त्याग है, अर्पण करना है, ये त्याग है। ये संन्यास का मतलब ये नहीं कि तुम लाल वस्त्र पहन के हिमालय में चले जाओ, नहीं, ग्रस्त में रहते हुए भी, ब्रह्मचर्य में रहते हुए भी, किसी भी रूप में रहते हुए भी अपने जो भी कर्म है उनको भगवान को अर्पण करो। सत्य में पग धारो, सत्य कर्म करो, सत्य कर्मों का फल सत्य ही आएगा। तो सत्य फल आएगा, वो अनेक सत्य कर्म और करवाएगा, और वो सारे सत्य कर्म उस सत्य को ही ऋषि होते हैं, उस सत्य को ही अर्पण होते हैं। सत्य कर्म करने वाले की सत्य ही बुद्धि होती है, सत्य ही ज्ञान होता है, सत्य ही ध्यान होता है, सत्य ही उनके कर्म होते हैं। सत्य को ही फिर अर्पण करेगा, सत्य से ही व्यवहार करेगा। सत्य तो भगवान का ही स्वरूप है, उनको ही एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा है, परम सत्य उन्हीं को कहा है। झूठ का जो व्यवहार करते हैं वो झूठ की ओर जाते हैं। दानवों को झूठा कहा है, राक्षसों को झूठा कहा है, असुरों को झूठा कहा है, उनको झूठ झूठ कर्म करने वाले को झूठा ही फल मिलता है, और वो झूठा फल जब मिलता है वो अनेकों झूठे कर्म करवा लेता है। तो फिर वो झूठ को ही, उसका ये जन्म भी और अगला जन्म भी झूठ में ही जाता है, असत्यता में जीता है, असत्यता को ही पाता है, सत्य को नहीं, सत्य से वंचित रह जाता है। सत्य को प्राप्त करना है, उस परमेश्वर को प्राप्त करना है, तो कर्म सत्य करने पड़ेंगे, और सत्य कर्मों का सत्य फल जो आएगा वो सत्य को ही अर्पण करना पड़ेगा, तब आपकी विजय होगी, तब आपको शुभ और अशुभ से मुक्ति होगी। तब ये देवलोक हो चाहे मृत्युलोक हो, ये दोनों ही शुभ और अशुभ, इन दोनों से यानी संसार से, संसार सागर से आप तर जाएंगे, भगवान के धाम को जाएंगे। ये आपका जीवन का परम लाभ होगा। उसके लिए भगवान ने कहा है कि मुझे प्राप्त हो जाएगा ऐसा करने से। समो अहम सर्वभूतेषु नैमे द्वेषो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, समम सर्वेषु भूतेषु नैमे द्वेषो अस्ति न प्रियः, यो मे भक्ति, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, सभी प्राणी मात्र में मेरी समान दृष्टि है, सभी के साथ मेरा द्वेष नहीं है, सभी को मेरा प्रेम प्राप्त होता है। बारिश बरसती है तो सभी को प्राप्त होती है, सभी को सुख आता है, दैत्य को भी, दानव को भी, दुष्ट को भी, पापी को भी, धर्मी को भी, कर्मी को भी, अधर्मी को भी, सभी को आनंद मिलता है कि बारिश हो रही है, अन्न पैदा होगा, सागरों में जल उमड़ेगा, बादल बनेंगे, वर्षा होगी, तो नदियों में भी बाढ़ आएगी, झरनों में निर्मल जल बहेगा, खेतों में चावल गेहूं पकेंगे, दाल पकेगी, दाल के फल आएंगे, सभी को आनंद आता है बरसात में, पेड़ों को, पौधों को, पक्षियों को, पशुओं को,
नर मान बानर को सबको। तो ये बारिश कहां से होती है? ये तो भगवान की इच्छा से सब संसार चलता है। भगवान विष्णु पालन पोषण करने वाले हैं। ये ब्रह्मांड के स्तर पर भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु ये पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी है। प्रलय की जिम्मेदारी भगवान शंकर की है। सृष्टि रचना ये 84 लाख योनियों का जो बीज बनाया है ये ब्रह्मा जी ने बनाया है और उनके अधीनता में कर रह रहे अनेकों साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने बनाया है। अनेकों बीज हैं, 84 लाख गिना है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा भी हो सकता है। हजारों प्रकार की घास होती है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, हजारों हजारों प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग, लेकिन शास्त्रों में उद्धृत किया है 84 लाख, तो अवश्य 84 लाख होंगे। तो 84 लाख कम होता है? 84 लाख विभिन्न योनियों का बीज बनाना और सारे ब्रह्मांड में उसको बखेर देना, ये कोई महान साइंटिस्ट का काम है। हमारे पृथ्वी का साइंटिस्ट तो कोई घास का पेड़ तो दूर है, पत्ता भी नहीं बना सका है, ना फूल बना सका है, ना कोई और ये बना सका है, नहीं बना सका है, बना भी नहीं सकेगा, क्योंकि मनुष्य का ये काम नहीं है, मनुष्य इस विधि को जानता भी नहीं है। ये ब्रह्मा जी के अधीन है। ब्रह्मा का आसन कहां है इस ब्रह्मांड में? बहुत दूर, अति दूर। वैज्ञानिक थोड़ा समझने लगे हैं कि ये हमारी जो आकाश गंगा है, व्हाइट गैलेक्सी, ये बड़ी छोटी गैलेक्सी है जिसमें पृथ्वी की दशा एक सरसों के दाने के जैसी है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने यंत्रों से 1000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज और एक से एक बड़ी गैलेक्सीज देखी है। लेकिन वैज्ञानिक तो पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य की ये इंद्रियां पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। कैसे पूरे ब्रह्मांड को वैज्ञानिक देखे? लेकिन भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर होता है। पूरा एक दिन की आयु, एक दिन की जो उम्र है, एक दिन का समय जो है, वो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो समय है, इनके 1000 चतुर्युगी का मतलब है सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है, करेक्ट। 4 युगों में सत्ययुग की आयु है 18 लाख से थोड़ी सी कम, त्रेता की आयु है 12 लाख से थोड़ी सी ऊपर, कलयुग की द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इन सबको मिला दो तो तकरीबन 52 लाख के बराबर बैठता है। 52 लाख का मतलब एक चतुर्युगी, चतुर चारों युगों का एक चक्र। ऐसे 1000 चक्र मार दो तो जो भी संख्या आएगी उसमें ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो फिर उतनी समय की रात्रि होती है ब्रह्मा जी की। ऐसे हिसाब से ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु आकी है ब्रह्मलोक के अनुसार, उसका उल्लेख किया है भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने भागवत गीता में ही कि 311 ट्रिलियन और 400 बिलियन वर्ष जब पृथ्वी के होते हैं तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं। ये ब्रह्मा जी की आयु है। तो ब्रह्मा जी का
ब्रह्मलोक हमसे कितनी दूरी पर है? अत्यंत दूर है। यह विशाल ब्रह्मांड है, यह एक ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है भौतिक सृष्टि में। हम क्यों भगवान श्री कृष्ण के शब्दों पर फेत होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब हमको कुछ लाभ मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, मेरा कोई संसार में कोई दुश्मन और कोई कोई दुश्मन हो, कोई बहुत प्रिय हो, नहीं। समो मैं समान रूप से सबको देखता हूं, सब मेरे अंश, सब मेरे मेरे ही आत्मा है, सब मेरे अपने हैं, सब मनुष्य नहीं, देवता ही नहीं, पेड़ पौधे भी, पशु पक्षी भी, जितनी भी आत्माएं हैं ये सब मेरे हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि समो अहम सर्वेषु, समो अहम सर्वभूतेषु, न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, किसी से भी मेरा बैर भाव नहीं है, और ना कोई यही है कि मैं ये मेरा बहुत प्रिय है। भेदभाव में दोनों चीज आ गई कि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा अप्रिय है, नहीं। आत्मा स्वरूप से सब भगवान को प्रिय हैं, सब भगवान के हैं। ये नहीं भाई एक प्रिय है, दूसरा से द्वेष करते हैं, दुश्मनी करते हैं, नहीं। आत्मा स्वरूप से जब ये अनंत आत्माएं सच्चिदानंद स्वरूप से हो स्तर पर हैं, वो सब भगवान को प्रिय हैं, भगवान के ही अंश हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसे घिनौने कर्म करते हैं कि उस आत्मा को अपवित्र कर देते हैं, चारों तरफ से उसके ऊपर गोबर लपेट देते हैं, संसार का गोबर। और कुछ ऐसे संत जन हैं जो उसको निर्मल रखते हैं, इसलिए अधिकतर भगवान जब आते हैं, दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं, या हृदय में प्रेरणा देते हैं, वो संतों के लिए। क्यों? क्योंकि संत निर्मल है, निर्मल के साथ ही निर्मल बात करेगा। फिर इनका क्या करेंगे जो गोबर लपेटे हुए हैं? तो भगवान इनका गोबर साफ करने आते हैं, गोबर झाड़ते हैं, इनको भी क्लियर करते हैं, इनके गोबर को उतारते हैं, इनको स्नान कराते हैं, पवित्र बनाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये पवित्र करने की स्थापना, पवित्र करने की विधि को देने के लिए मैं युग युग में आता हूं कि ये पवित्र करने की विधि है, फार्मूला है, इससे आप बार बार स्नान करो और पवित्र हो जाओ। तो मैं दुष्टों के गोबर को उतार देता हूं जो उनका अहंकार है, काम है, क्रोध है, मद है, मोह है, मत्सर है, शरीर के ऊपर बड़ा अहंकार है, दुष्कर्म करता है, वो गोबर से अंधा हुआ है, अंधे अंधेरे में जीवन जीता है, तो उसके गोबर को झाड़ देता हूं। ये कौरव जो सामने खड़े हैं, इनके आत्मा ये भी मेरे प्रिय है, तू भी मेरा प्रिय है, सभी मेरे प्रिय हैं, लेकिन इनके ऊपर गोबर चढ़ा हुआ है अहंकार का, काम क्रोध मद मोह मत्सर और लालच का, इसको मैं साफ करने के लिए आया हूं, और मैं इसको इनको साफ करूंगा,
इनके गोबर को झाड़ूंगा, इनके अहंकार को गिराऊंगा, इनके शरीरों को गिराऊंगा, इनका शरीर दूषित है, और इनको पवित्र बनाऊंगा, इनका आत्मस्वरूप से इनका उद्धार करूंगा, कल्याण करूंगा। तू युद्ध कर, मार इनको, उतार, तू मेरी मदद कर, मेरा काम कर। अर्जुन, इनके गोबर को झाड़ दे, इनको स्नान करा, पवित्र कर इनको अपने बाणों से। मैं इनके जो कालिक है इसको साफ करने के लिए आया हूं, जो गोबर चढ़ा रखा है जन्म जन्म से इसको मैं उतारूंगा इनका। मेरा काम है उद्धार करना, मारना नहीं। लोग समझते हैं मैं किसी को मारता हूं, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा है, या खरदूषण को मारा, या कंस को मारा, या शिशुपाल को मारा, या वक्रासुर को मारा। नहीं, इनका उद्धार किया मैंने, इनका गोबर झाड़ दिया मैंने, जो संसारिक गोबर जन्म जन्म से इन्होंने लपेट रखा था। जिसके कारण ये तकलीफ पा रहे थे, जले जा रहे थे, मैंने इनको दावन से बचाया है अर्जुन, मारा नहीं। अभी मैं तुम्हें चांस देता हूं, अवसर देता हूं, तू बाण उठा और इनके गोबर को झाड़ दे, जिससे ये पवित्र हो जाए। किसी जैसे किसी मां से अपने बच्चे की गंदगी नहीं देखी जाती, ठीक वैसे ही तो गंदगी को साफ करती है, उसको स्नान कराती है, पाउडर लगाती है, खुशबू छिड़कती है, फिर गोद में उठाती है। ठीक वैसे ही भगवान भी कभी कभी असुरों के, जब असुरों की बाढ़ आती है, गोबर ही गोबर धारी बढ़ जाते हैं धरती पर, उनके गोबर को झाड़ने के लिए आते हैं, उनको पवित्र करते हैं, स्नान कराते हैं। अभी अर्जुन को अवसर देते हैं कि तुझे मैं अवसर दे रहा हूं, मैं तो आया ही इसी उद्देश्य से हूं, लेकिन तू मेरा मित्र है, मेरा भक्त है और वीर है, धनुर्धर है, तू इस अवसर को मत चूक, तू मेरी सेवा कर, इनका गोबर झाड़, इनको पवित्र बना, ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त करेगा, तू भी मेरा प्रिय भक्त होगा, मेरे धाम का वासी होगा, मेरा मित्र होगा। ऐसे तो सभी मेरी संतान है, सुर असुर, देवी देवता, जन मानव, पशु पक्षी, तमाम ब्रह्मांडों में सब मेरे अंश है, मेरी संतान है। मैं भेदभाव नहीं रखता कि ये मेरा दुश्मन है और ये मेरा दोस्त है, नहीं, सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे प्रिय हैं। लेकिन कभी मेरे प्रिय जनों के ऊपर गोबर लिपट जाए तो कभी दयावश, करुणावश मैं उनका गोबर झाड़ने आता हूं। यदा यदा ही धर्मश ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मश तदात्मानम सजाम्य हम। तो फिर धर्म स्थापना भी करता हूं, यानी गोबर झाड़ने की विधि भी छोड़ के जाता हूं, जो भागवत गीता छोड़ के चले गए। ये गोबर झाड़ने की विधि है, असुरों को भक्त बनाने की विधि है, राक्षसों को संत बनाने की विधि है, ये फार्मूला दे के गए हैं। अर्जुन नहीं रहे, कृष्ण भी चले गए, लेकिन फार्मूला तो दे गए, या कहिए कि उनका फार्मूला सदैव यहां पर है। कोई लाभ उठाना चाहे उठा सकता है, किसी का गोबर लिपटा हुआ हो, किसी का मन कलुषित हो, मैं